दोस्तों क्या आप लोगों का भी इंस्टाग्राम में स्वीप एवं थीम का ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 में 101% इस समस्या का समाधान दोस्तों हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे तो मैं पूरा का पूरा दोस्तों बताऊंगा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम टीम से भी बात की है कि कहां पर आप लोग प्रॉब्लम कर देते हो, क्या दिक्कत कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वीप का ऑप्शन आया हुआ होता है एवं चला जाता है, या फिर आप लोग किसी गलत यूट्यूबर के चक्कर में पड़ जाते हो, उसका वीडियो देख लेते हो और वो बता देता है, वो कंडीशन आप कर देते हो, वो सेटिंग आप कर देते हो, तो दिक्कत आ जाती है और आपको अपडेट का ऑप्शन दोस्तों नहीं आता है इंस्टाग्राम पे। लेकिन दोस्तों आपके पास अगर इंस्टाग्राम में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैसेंजर अपडेट का, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं ऐसी सेटिंग बता दूंगा दोस्तों, आपको ऐसा मैं करवा दूंगा कि आपके पास समस्या जड़ से दोस्तों खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं कर करके आपको दिखाऊंगा और भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों ये प्रॉब्लम हटती है, यानी कि किस तरीके से आपका स्वीप का ऑप्शन जो होता है वो चला जाता है और किस तरीके से उसको हम वापस लाते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो दोस्तों बाद में सब्सक्राइब एवं लाइक करना। मैं दोस्तों पहले नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नहीं, बिल्कुल मैं मत करो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर जानकारी हमारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जाना। चलो मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे, उसके पहले दोस्तों आप मेरे बारे में जान लीजिए। दोस्तों मैं हूं आरके राजपूत और आप देख रहे हैं आरके टेक धमाका, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलो मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूं दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों इंस्टाग्राम ओपन कर लिया और आपको मैं कर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों होता है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहां पर दोस्तों, ये मैसेंजर आपको दिख रहा है, इसको क्या कर लेते हैं, हमारे मैसेंजर में देख लीजिए दोस्तों, ऐसे दिख रहा है। बहुत से हमारे दोस्तों के मैसेज आए कि सर हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको भी दिखा देता हूं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे में स्वीप का ऑप्शन जो दिख रहा है तो आपके में दोस्तों नहीं दिख रहा होगा। तो स्वीप का ऑप्शन आपके में कैसे आएगा वो हम बताएंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके का ऑप्शन आपके फोन में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों कैसे आएगा हम वही आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। जैसे इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर स्वीप का ऑप्शन लिख करके आ गया, आप किसी भी मैसेज को स्वीप करके क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके फोन में ऑप्शन दोस्तों नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है उसका भी कुछ रीजन है। देख लीजिए यहां से हम थीम अगर अप्लाई करते हैं तो थीम भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसको हम हटा करके दिखाएंगे कि ये हटने के बाद में दोस्तों कैसे आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, ये आपका जो एप्लीकेशन है उसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो मोर इन्फॉर्मेशन है उस पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम क्लिक करते हैं एक बार, और उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, स्टोरेज यूजेज में जाना है। तो स्टोरेज यूजेज वाला जो ऑप्शन है इसमें दोस्तों आपको क्या है, क्लियर डाटा कैचअप कर देते हैं और एक क्लीन कैचअप कर देते हैं। तो यहां से दोस्तों क्या हमारा मैसेंजर का ऑप्शन दोस्तों जो है वो हट जाएगा, यहां से हम कर देंगे ना तो हमारा जो भी इंस्टाग्राम है उसका मैसेंजर वाला ऑप्शन दोस्तों हट जाएगा। आपको मैं अब ओपन करके एक बार दिखा देता हूं, इसको लॉगिन करूंगा क्योंकि ये ऑफ हो गया होगा, इतना करने के बाद में दोस्तों ये क्या होता है, ऑफ हो जाता है। अब इसको एक बार क्या कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो ओपन करके हम आपको एकदम दिखा देते हैं दोस्तों, तो आप बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये दोस्तों हमारा आ गया, तो इसको हमारा फेसबुक से, तो इसको हम फेसबुक से क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या है दोस्तों, लोडिंग ले रहा है और लोडिंग ले रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसको। तो ये क्या है, लोडिंग होने के बाद में कनेक्ट टू फेसबुक, यानी कि फेसबुक से तो दोस्तों आपको कनेक्ट करना ही करना, अगर फेसबुक से नहीं कनेक्ट करेंगे तो मैसेंजर का ऑप्शन नहीं आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा क्या है, मैसेंजर का ऑप्शन दोस्तों हट गया। तो हमको इस मैसेंजर के ऑप्शन को लाना है, तो हम कैसे लाएंगे दोस्तों, आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना दोस्तों। तो इसको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, यहां ये क्या कर लिया हमने, इसको क्या कर लिया, अनइंस्टॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेंगे इसको दोस्तों, यहां से हम अनइंस्टॉल कर देंगे। अब अनइंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना आगे हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। अब अनइंस्टॉल कर दिया, अब इसको क्या कर लेंगे, हम यहां पे जाएंगे प्ले स्टोर में, ठीक है दोस्तों। तो प्ले स्टोर अपना क्या कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारा प्ले स्टोर दोस्तों ओपन हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहां हम सर्च बार में जाएंगे दोस्तों, तो सर्च बार में इंस्टाग्राम को क्या कर लेंगे, हम यहां से डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे दोबारा। दोबारा डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये हमारा डाउनलोड हो रहा है तो डाउनलोड हो जाएगा, तब तक के लिए डाउनलोड होने के बाद में आपको बताता हूं दोस्तों क्या करना है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो है इंस्टाग्राम डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम हो गया। अब क्या है दोस्तों, इंस्टॉल हो रहा है। अब इंस्टॉल होने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में फिर भी दोस्तों मैसेंजर का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा, फिर भी आपको आगे की एक सेटिंग करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा एप्लीकेशन एक क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है। वो कौन सा डाउनलोड करना है,
वो भी आपको डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी दोस्तों। मैसेंजर वो जो होता है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का मैसेंजर दोस्तों एक ही होता है, उसको क्या कर लेंगे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। तो इसको क्या कर लेंगे हम डाउनलोड कर लेंगे, हमारा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद में आपको हम बताते हैं क्या करना है। ए दोस्तों हमारा क्या है 80 हो गया, फिर 96 हो गया, अब ये क्या है हमारा भी 100% हो जाएगा। और होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है पूरा का पूरा दोस्तों बताते हैं। हमारा हो गया, अब इसको क्या कर लेते हैं हम दोस्त ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ओपन करें या फिर अपना डायरेक्ट हम जाकर के ओपन कर लेंगे उसको, ठीक है, इंस्टाग्राम को डायरेक्ट ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेते हैं अपना, ठीक है। इसको क्या करना है दोस्तों पूरा हटा देना है एक बार, ठीक है, ये जो तीन लाइनें खींची हुई यहां से हटा देना है, बी से क्लिक करना, यानी कि सारा का सारा आपको हटा देना, कुछ भी नहीं रखना। अब एक बार क्या कर लेते हैं दोस्तों ओपन कर लेते हैं। अब इसको हम क्या कर लिया हमने इंस्टाग्राम को दोस्तों ओपन कर लिया। अब इंस्टाग्राम को ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा दोस्तों। इसको क्या करना अपने फेसबुक से लॉगिन करना दोस्तों। इंस्टाग्राम में बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने अपने फेसबुक से लॉगिन नहीं किया है दोस्तों तो फेसबुक से कनेक्ट करना बहुत ही अनिवार्य है, वरना दोस्तों आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हमने कनेक्ट कर लिया, इसको क्या कर लिया हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इसको क्या कर लिया दोस्तों हमने ओपन कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या है मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर क्या है जनरल का ऑप्शन आ रहा है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया हमने ये पूरा का पूरा दोस्तों आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको जो दिख रहा है एक बार ऊपर नीचे क्या करेंगे स्लाइड करेंगे और आपके जो भी मैसेज हैं दोस्तों टाइम लगेगा, कभी कभी क्या होता है आपके जो भी मैसेज होते हैं दोस्तों चले जाते हैं, लेकिन क्या है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैसेज आ जाएंगे। यहां पर देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं क्या है ये पूरा का पूरा ऑप्शन हमारा आ गया है, मैसेंजर का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही हमने अपडेट किया मैसेंजर डाउनलोड किया, फिर उसके बाद में अगर आपका नहीं आता एक दो बार रिफ्रेश करना, फिर भी अगर नहीं आता है दोस्तों तब क्या करेंगे हम, हमारे पास समस्या खड़ी होती है अगर फिर भी नहीं आता तो क्या करेंगे हम, जाएंगे अपने सेटिंग में, फिर भी नहीं आता तो अपने सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। और हेल्प सेंटर पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर जाना है सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, तो सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, सपोर्ट वाले में फिर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे आप जाएंगे, फिर यहां पे ऑप्शन आता तो यहां पे हम लिखेंगे जो लिख रहे हैं दोस्तों हाय इंस्टाग्राम, तो इसको क्या करना है हम दे देंगे दोस्तों इसका लिंक जो है इसको जो लिख करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग यहां से मैसेज वही कर सकते हैं, सेम मैसेज करना हाय इंस्टाग्राम टीम आई हैव ए कर देना, पूरा का पूरा मैंने लिख दिया दोस्तों, ये आपको लिख देना है। और लिखने के बाद में गैलरी आपको दिख रही है, तो गैलरी में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है एक स्क्रीन शॉट अपने जो मैसेज होता है उसका ले लेना है, जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया, तो मैसेज जो होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जहां आपको नहीं दिखाई दे रहा, फिर उसके बाद में दोस्तों ये भेजना लिख कर आएगा जाएगा थैंक यू, ठीक है, टर्न ऑन से कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना करने के बाद में आपका जो भी मैसेंजर का अपडेट है स्विप का ऑप्शन है दोस्तों 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम टीम से भी बात किया दोस्तों। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों मिल जाए।